नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। उत्तर प्रदेश में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। ऐसा लगता है अपराधियों को ना तो कानून का खौफ है और ना ही ऊपर वाले का। उनके दिमाग में दरिंदगी इस कदर हावी है कि सामने वाले उनके कृत्यों पर शर्मसार हो जाए। अभी अलीगढ़ की ट्विंकल का मासूम चेहरा आंखों से हटा नहीं था कि हमीरपुर में हैवानों ने अमानवीय कुकृत किया है। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिवनी गांव में 10 वर्ष की दलित लड़की का रेप करने के बाद गला दबाकर हत्या कर हत्यारे गांव के बाहर लड़की को नग्न अवस्था में फेंक कर फरार हो गए। बता दें, योगी राज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरी तरह फेल है। एक के बाद एक मासूम लड़कियों के साथ हो रही घटना से पूरा प्रदेश दहशत में है। शिवनी गांव की इस घटना ने सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि शिवनी गांव की एक दलित बच्ची के साथ रेप और हत्या होने के बाद पुलिस का वही जवाब कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के शिवनी गांव की इस घटना से पूरे गांव में आक्रोश है। मौके पर डीआईजी पहुंचे तो पूरा पुलिस प्रशासन जांच में जुट गया। डीआईजी महोदय ने डॉग इंक्वायरी समेत 5 जांच टीम बनाकर जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने और सजा का आश्वासन दिया। इस घटना से शिवनी गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन कितने जल्द अपराधियों को पकड़ पाती है। घटना हमीरपुर जिले के कुरारा थाना के शिवनी गांव की है। बताया जा रहा है कि मृतका के परिजन ईंट के भट्ठों पर मजदूरी करते हैं। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची की बलात्कार करने के बाद हत्या की गई है, लेकिन उसकी हत्या किसने की यह स्पष्ट नहीं हो सका है। देखिए, सुबह करीब 7:30 बजे ये थाना कुरारा में है, गांव शिवनी पड़ता है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी। यहाँ एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। एक पूनम जो एक नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष है, इसकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली है। और घर से करीब 100 मीटर दूर यहाँ सामने एक कब्रिस्तान है, इसमें पेड़ों के बीच में जो झाड़ियाँ हैं इनके बीच में इसकी डेड बॉडी मिली है। और गला दबा के जो प्रथम दृष्टया ये नज़र आ रहा है कि गला दबा के हत्या की गई है, और बाकी जो और कोई जो चीज़ है उसकी फॉरेंसिक टीम के द्वारा जाँच की जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पे है, और बाकी हमारी जो रेंज की फॉरेंसिक टीम है वो भी अभी आ रही है। डॉग स्क्वाड आ रहा है, तहरीर प्राप्त की जा रही है, पंचायतनामे की इसमें कार्रवाई की जा रही है, और आज इसमें पोस्टमार्टम करा के बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। बाकी घटना के अनावरण के लिए मेरे स्तर से 5 टीमें इसमें गठित कर दी गई है। SOG की हमारी टीम है, और बाकी थाना प्रभारी जो कोतवाली उनके नेतृत्व में एक टीम है, एक टीम थाना प्रभारी जो राठ है उनके नेतृत्व में हमने गठित की गई है। इस तरीके से कुल यहाँ पर 5 टीमें इसमें गठित कर दी गई, और जल्दी ही घटना का अनावरण किया जाएगा। और ये घटना के पीछे क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था, किसने घटना करी है, इसके जल्दी आपको बताया जाएगा। सर, परिजनों ने आरोप लगाया है कि बलात्कार करने के बाद हत्या की गई है। देखिए, उसके बारे में चूंकि सारी चीज़ें लड़की का वो है मामला, तो इसमें प्रथम दृष्टया हमको लग रहा है गला दबा के किया गया, लेकिन जिस तरीके की जो चीज़ें हैं तो इसमें इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बारे में हम सारी चीज़ें पंचायतनामे में भी इसमें कार्रवाई की जा रही है, और इसका जो मेडिकल जो होगा, जो पोस्टमार्टम होगा, वो भी बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा। तो जो भी कोई चीज़ है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, तो जो भी तथ्य वो सामने आएंगे और उसके आधार पे आगे इसमें कार्रवाई होगी। और चूंकि ये बहुत ही सनसनीखेज और इस तरह की जो घटना है, गंभीर घटना है, और एक नाबालिग लड़की के साथ हुई, तो इसमें किसी प्रकार की जो भी चीज़ है वो सब सामने आएंगी, और सबके जो भी आरोपी होगा उसको जल्दी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।